इस बार हम बेगानी शादी में नहीं, टीकू और शेरू की शादी में दीवाने हो रखे हैं। हमारा पूरा मिर्ची आज एकदम शादी मनाने के मौके पर, मतलब शादी मनाने के मूड में लग रहा है। मुझे पहले ये जानना है आप दोनों से कि कभी जब हम यंग होते हैं तो शादियों में क्रैश करते हैं ना खाना खाने के लिए या जस्ट लाइक दैट, कभी किया है आप दोनों ने? मैंने तो बहुत किया है पंजाब में, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ यार, तो हम लोग सारे दोस्त जाते थे और खाना पीना खा के वापस आ जाते थे। कॉलेज में, अगर कॉलेज में नहीं सॉरी स्कूल में होते थे तो स्कूल के साइड में होते थे बैंक्वेट हॉल्स, वहाँ पे बड़ा अच्छा अच्छा पंजाबी खाना पकड़े नहीं कभी नहीं, बच्चों को थोड़ी ना कोई मना करेगा, बच्चे खाना वाना खा के आ जाए तो कहाँ से मना करेगा। आपके साथ सर? मैंने तो बहुत किया है। पकड़ाए कभी आप? पकड़े भी गए। क्या हुआ फिर? एक्चुअली क्या होता है, हमारे यहाँ जब बारात निकलती है तो दूल्हा घोड़े पे चलता है, उसके पीछे पहले सिक्के फेंकते थे। हाँ। तो सिक्के लूटने के लिए जाते थे। कितने गलत किए? कभी हो जाते थे, कभी 2 रुपए हो जाते थे, कभी 1 रुपया होता था, है ना। पहले 5-5 के सिक्के, 2-2 के सिक्के भी आते थे, तो वो लूटते थे हम लोग। हर शादी में, हम किसी की भी हो, हर शादी में डांस करते थे और खाना भी खाते थे। तो लड़के वालों को लगता था कि लड़की वालों की तरफ से, लड़की वालों को लगता था लड़के वालों की तरफ से। एक बार पकड़े गए हम लोग, तुम कहाँ से हो? अपने लड़की वालों की तरफ से, दिल्ली इधर आओ। तो पूछा भी आपकी तरफ से, बोले नहीं हमारी तरफ से। तो पिटाई विटाई भी हुई, पिटाई विटाई तक बात हुई, थप्पड़ थप्पड़ लगे। ये तो काफी काफी एकदम पंजाबी बड़ी मूवी। मैं सबसे पहले आपसे इस सवाल पूछना, तो मैंने आपका बहुत पुराना इंटरव्यू देखा था जहाँ पे आप बोलते कह रहे भाई हमें कौन बनाएगा हीरो, हम पे कौन ऐसे पैसे लगाएगा। नाउ फाइनली आप एकदम टिपिकल रोमांटिक क्विंटेसेंशियल हीरो बन के आ रहे हैं। पहले तो मुझे बहुत बड़ा मजा आया, एज अ नवाजुद्दीन फैन आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम सीइंग दिस अवतार। तो जब ये रोल आपको आया था, Were you excited or were you like यार ये मैं नहीं, मैं तो of course excited हुआ था, बहुत एक्साइटमेंट हुआ था। पहले तो हालांकि मैंने कंगना जब आई थी और उन्होंने मुझे जब आई तो मैंने सोचा तभी कुछ ना कुछ अच्छा प्रोजेक्ट होगा, तो पहले ही मैं रेडी हो गया था क्योंकि कंगना की एक क्रेडिबिलिटी है, तो मैंने मैं करूँगा। फिर स्टोरी सुनाई मुझे तो फिर तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी लगी स्टोरी को। मैंने सुना है कि कंगना वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट गेटिंग दिस पेयर टुगेदर, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। तो ऑब्वियसली जैसे शादियां भी बुई या फूफी या चाची कराती हैं, कंगना इज दैट फॉर यू, करेक्ट? सो व्हेन शी केम टू यू और व्हेनेवर द मेकर्स केम टू यू एंड यू केम टू नो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ऑपोजिट हीरोइन बनना है, आई रियली वांट टू नो दिमाग में क्या थॉट्स आए थे? दिमाग में तो यही थॉट्स है कि आई वॉज फीलिंग एब्सोल्युटली सो लकी एंड कम्प्लीटली यू नो, मतलब इससे ज़्यादा बेटर कुछ चीज़ नहीं हो सकती थी टू गेट अ डेब्यू यू नो ऑपोजिट हिम। एंड आई हैव बीन अ फैन ऑफ हिम सिंस सो लॉन्ग, ऑल हिज मूवीज, ऑल हिज डायलॉग्स। द मोमेंट आई गॉट टू नो दैट सर के साथ फिल्म में सो के ऑपोजिट फिल्म में मैम प्रोड्यूस कर रही हूं, ऐसा तो नहीं लगा कि गुंडी का रोल तो नहीं है, गैंगस्टर गुंडी गनमैन हाथ में है सर, वो भी होता तो आपके साथ तो मैं वो भी कर लूं, करेक्ट? कितना मजा है वो भी करने में, रोल घमंड से लपड़ पड़ नहीं माने लोगों की मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हीरोइन हूं। अरे सर के साथ फिल्म कर लिए, ये बहुत बड़ा लपड़ हो गया बाद में। किस पे? यही हमें भी जानना है, किस पे? वो थोड़ी मैं आपको बताऊंगी। तो तुम जो जो हो आई एम श्योर तुम समझ ही गए होगे, #YouKnowWhoYouAre।